21 जुलाई को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित दैनिक अखबार नवभारत कार्यालय का घेराव कर गाली गलौज व मारपीट की कोशिश करने वाले स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के विषय को लेकर जिला मुख्यालय में स्थानीय बस स्टैंड परिसर के सामने सुकमा जिले के समस्त पत्रकारों ने धरना दिया। आपको बता दें कि 30 जुलाई के दिन पंचायत के कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व सुनियोजित तरीके से दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित दैनिक अखबार नवभारत कार्यालय पहुंचकर दफ्तर का घेराव कर कार्यालय के अंदर मौजूद 3 पत्रकार अभिषेक भदौरिया, पंकज भदौरिया व प्रदीप गौतम के साथ जमकर गाली गलौज व मारपीट की कोशिश की गयी। पूरे घटनाक्रम के पीछे सीधे तौर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष व ठेकेदार सुभाष सुराना का हाथ है। सुभाष सुराना ने अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ही अखबार के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। पंचायत के भोले भाले आदिवासी जनप्रतिनिधियों को भड़काकर पत्रकारों के साथ मारपीट करने व कार्यालय में तोड़फोड़ करने के लिए भेजा था। 2 अगस्त को सुकमा जिला मुख्यालय में पत्रकारों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सुकमा जिला पत्रकार संघ ने दंतेवाड़ा की घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से दंतेवाड़ा में दैनिक अखबार कार्यालय के घेराव की घटना की बारीकी से निष्पक्ष जांच कर घटना में शामिल और उसके पीछे साजिश रचने वालों पर जल्द से जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में दोबारा पत्रकारों के साथ इस तरह की अप्रिय स्थिति न बने। इस धरना प्रदर्शन में तोंगपाल, ऊकानार, छिंदगढ़, पुष्पाल, दोरनापाल, पेंटा, कोटा सहित जिला मुख्यालय के सभी समाचार पत्रिकाओं के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, दंतेवाड़ा जिला में पिछले दिनों एक पत्रकार के साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। और एक हम सभी को यह पता है कि पत्रकार चौथा आधार स्तंभ के रूप में हम सब जानते हैं, और ऐसा व्यवहार लगातार कांग्रेसियों के द्वारा सभी पत्रकारों के साथ घटित हो रही है। एक आम आदमी का भी अधिकार है कि हमारे पंचायत में किस तरह के काम हो रहे हैं, हमको उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और इसका प्रकाशन एक अखबार के माध्यम से होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा व्यवहार किसी पत्रकार के साथ होना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ, और इस घटना के पीछे जिन व्यक्तियों का भी हाथ है, प्रशासन और जिला प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि इसकी जल्द से जल्द जांच हो, और जो भी आरोपी इसके पीछे हो उनको सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। समय न्यूज के लिए संवाददाता संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।